संभल के बबराला राजघाट के गंगा नदी किनारे एसपी यमुना प्रसाद व डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने जमकर रंगों की होली खेली। इस मौके पर जिले का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इस मौके पर वृंदावन से आए कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से पूर्व में गंगा यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर भी कई अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी व डीपीआरओ जाहिद हुसैन भी शामिल हुए। गंगा के किनारे डीएम और एसपी ने तमाम अधिकारियों के साथ जमकर गुलाल उड़ाया। संभल से संवाददाता सदाम हुसैन की रिपोर्ट। अरे 84 कोट मेरे आपको राजघाट गंगा तट पर सम्मानित किया गया, तो सर क्या है ये, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर इतनी सम्मानित किया गया? देखिए 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच केंद्र सरकार द्वारा एक गंगा यात्रा का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 26 जनपद जो कि गंगा किनारे पड़ते हैं उसमें हमारा जनपद संभल भी गंगा किनारे पड़ता है। तो गंगा किनारे की 3 नगर पंचायतों और 53 ग्रामों में जो सरकार द्वारा तमाम जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं हम चला रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए हम लोगों ने 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच इस गंगा यात्रा को भव्य रूप में अपने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पूर्ण कराया था, उसी के लिए आज ये सम्मान दिया गया। तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कार्य करने के बाद अगर इस तरह से सम्मान मिलता है तो निश्चित ही मनोबल बढ़ता है और आगे भी हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सर आज माँ गंगा तट भागीरथी पर जो सम्मान समारोह किया गया, सर क्या है पूरा मामला, किस वजह से ये सम्मान समारोह? उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में 27 जनवरी से 31 जनवरी तक माँ गंगा की भव्य शोभा यात्रा निकली थी। हमारे जनपद में भी इन 4-5 दिनों के साथ साथ 29 तारीख को जनपद 29 तारीख को इस जनपद में शोभा यात्रा ने प्रवेश किया था। उस शोभा यात्रा में किए गए कार्यों के प्रति जो भव्य कार्यक्रम हुआ था उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे और अन्य सभी को सम्मानित किया है। ये सफल कार्यक्रम के लिए एक इनाम सम्मान समारोह जो यहाँ किया गया है, तो क्या है सर? देखिए आज जो है ये माँ गंगा जन कल्याण समिति बबराला के द्वारा जो नित्य प्रति गंगा की गंगा माता जी की महा आरती की जाती है, उन्हीं के द्वारा आज जो है और हमारे जनपद के ईंट निर्माता समिति के सहयोग से आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में ब्रज के कलाकारों के द्वारा बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और ब्रज की होली, फूलों की होली के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, मयूर नृत्य प्रस्तुत किए गए। हमारे जनपद के सभी निवासी पत्रकार बंधु और जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी बंधु थे इस कार्यक्रम में सब शामिल हुए। सबने बड़ा उमंग उत्साह से इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी किया। पिछले दिनों जो माँ गंगा की यात्रा का कार्यक्रम हुआ था प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में, जो हमारे जनपद में जो 3 नगर पंचायतें और 53 गांव पंचायतों में जो विकास कार्यक्रम या जन जागरूकता के कार्यक्रम चले थे और जो गंगा यात्रा के वो विशाल आयोजन में और जनसभा में जो जिन लोगों ने सहयोग दिया था, जिन अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके उस कार्यक्रम को सुरम्य और बहुत ही भव्य बनाया था, उन लोगों को आज हम लोगों ने भी सम्मान पत्र देकर के उनको सम्मानित भी किया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।